अरे गुलाबो, बहुत टाइम हो गया यार, बहुत जोर से भूख लगी है। रोटी तो बना दो कम से कम। रोटी बनाऊं या कपड़े सुखाऊं, मेरे दो हाथ है चार नहीं, समझे? हाथ अरे गुलाबो, मुझे खाना बना दो। मत लगाओ और दूर रहो, समझे? अरे मैं खाने का बोल रहा हूं, मुझे खाना बना दो। हाँ, ऊंचा बोलो, पूरे पड़ोसियों को सुना दो। और मैं ऊंचा बोल रहा हूं। क्या, तो मैं ऊंचा बोल रही हूँ, आप ऊंचा बोल रहे हो, समझे आप? तू आराम से बात कर मेरे से। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, बोल क्या करेगा तू? अच्छा, मैं थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। तो अब आप मुझ पे हाथ भी उठाओगे? आपकी इतनी हिम्मत? अब मैं बताती हूँ आपको, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए ना, तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं, क्या समझे? क्या क्या तारे दिखाएगी तू? अरे गुलाबो, ये तू क्या कर रही ये तो वक्त ही बताएगा जी, मैं क्या कर रही हूँ। है? वक्त ही बताएगा, मरवाएगी मुझे, अपने मायके जाएगी, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन वहां रह के उल्टी यहां फिर धक्के खाती आएगी, और क्या होगा? ये तो अब टाइम ही बताएगा कि मैं रोती हूँ या आप रोते हो, धक्के मैं खाती हूँ या फिर आप खाते हो। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? माँ, वो आदमी ना मुझ में हाथ उठाता, मुझे बहुत मारता पीटता है। आपको पता है, अब तो आपकी नाम की गालियां भी देने लगे गंदी गंदी मुझे। माँ, मुझसे ना अब और जुल्म सहन नहीं होता, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसने तेरे पे हाथ उठाया, मेरी फूल सी बच्ची पे हाथ उठाया, कीड़े पड़े उस पापी को। मैंने भी उसे थाने कचहरी ना घसीटा ना, तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं हूं। तू रुक, मैं अभी फोन करती हूँ पुलिस को। हेलो पुलिस स्टेशन। बहन जी, फोन आपने किया था? हाँ जी भाई साहब, आओ बैठो। हाँ बहन जी, अब बताओ हमें क्यों बुलाया है? थानेदार जी, मेरी बेटी को उसका पति रोज पीटता है। मैंने दहेज में सोने की अंगूठी दी, सोने की चैन दी, मैंने एक कार भी दी, दहेज में 2 लाख रुपया और मांग रहे हैं। बहन जी आप चुप रहो तो मैं बेटी से कुछ पूछ लूं। हाँ बेटी, क्या हुआ? हाँ थानेदार जी, माँ जी ना सच बोल रहे हैं, वो मुझे ना गंदी गंदी गालियां तो देते ही हैं, अब तो मुझ पे हाथ भी उठाने लगे हैं, बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। हमने ना उनका घर पूरा का पूरा दहेज से भर दिया, लेकिन फिर भी उनके ना जुल्म कम नहीं हुए। अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ। बेटी तेरे ससुराल है कहाँ, और तेरे पति का नाम क्या है? थानेदार जी, मेरा ससुराल ना सिरसा में है, और मेरे पति का नाम मटरू है। अरे ओ लूना जी। जनाब है? अरे उस मटरू को उठा कर ला, हम देते हैं उसको दहेज। अभी ले आ जनाब जी। बेटे तेरी शादी को कितने साल हो गए? थानेदार जी, अभी तो सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। जनाब कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? अरे तू चलता नहीं, चला। अरे मार क्यों रहे आप? ये लो जनाब है। अरे तूने इस लड़की को मार मार कर कितना बुरा हाल कर दिया है। अरे थानेदार साहब, मैंने इसको कहाँ मारा, लेकिन आपके हवलदार ने मुझे बहुत मारा। अरे और तेरे गले में हार डालूं? अरे लड़के तू ये बता मसला क्या है? थानेदार जी, ये मसला क्या बताएगा, मसला तो मैंने आपको बता दिया। बहन जी आप चुप करो, हमें दोनों तरफ से बात सुननी पड़ती है। बेटे तू बता बात क्या हुई? अरे गुलाबो यार, ये पुलिस इस हवलदार ने मेरे को बहुत मारा यार, क्या हो रहा है, आखिर बात क्या है? अरे उसको क्या पूछ रहा है, हमें बता बात क्या हुई। बता बता जल्दी बता। अरे थानेदार साहब, मैंने इसको नहीं मारा, ना ही कोई इस पे हाथ उठाया है। क्यों नहीं मारा? आज सुबह तो तूने मेरी बहुत पिटाई की है, और थानेदार साहब इन्होंने ना मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड की है,
कहता 2 लाख रुपए अपनी माँ से लेके आ, वरना मेरे घर है ना आज के बाद कभी मत आइयो। बहन जी आपके घर में और कौन कौन है? एक मेरा बेटा और एक मेरी बहू है। अरे लूना जा उसको पकड़ कर ला। जी जनाब जी भी ले आ। वो आ ही गया। आ बेटे इधर बैठ। बाज यार ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे तू चुप कर, तू ये बता बेटे ये तेरी माँ और वो तेरी बहन है? जी। आपको पता है आपके जीजा जी ने आपकी बहन को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है और 2 लाख रुपए दहेज में मांगे हैं। बाज यार मैंने इनसे कुछ नहीं मांगा और ना ही इनको कभी पीटा, ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने इनसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। चुप करो जीजा जी, मुझे बोलने दो। थानेदार साहब ये सब झूठ बोल रही हैं। ये प्लान मेरी बहन और मेरी माँ के बनाए हुए हैं। इन्होंने एक मैटर बनाकर जीजा जी को फंसाने के लिए, एक दहेज का केस बनाने के लिए आपको फ़ोन कर दिया। भाई ये आप क्या बोल रहे हो? चुप कर, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? भाई शायद आपको पता नहीं है, इन्होंने ना पीट पीट कर मेरी पीठ पे 100 निशान बना रखे हैं। चुप कर, बना रखे हैं 100 निशान? बुलाऊं अभी लेडीज पुलिस को, अभी पता चल जाएगा कितने निशान हैं। अरे चुप हो जा, पता भी है तुझे किसी बात का? चुप माँ, अगर मेरी घरवाली तुम दोनों माँ बेटी पर दहेज का केस कर देती तो तुम्हारी दोनों की अकल ठिकाने आ जाती। वो ऐसा कैसे करवा देगी? जैसे आपने करवाया, आप जैसी ही होती हैं जो अच्छे अच्छे घरों पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको बर्बाद करने पर तुल जाती हैं। बेशर्म लोग वो होते हैं जो दहेज मांगते हैं, लेकिन जीजा जी ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बसने दे इनका घर, बसने दे इनका घर। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर ली। माँ माफी मेरे से नहीं, माफी जीजा जी से मांगो जिसको आपने दहेज के केस में फंसाने की कोशिश की। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मुझे भी माफ कर दीजिए जो मैंने बिना सोचे समझे मैं माँ की बातों में आ गई और अपने घर बर्बाद करने पे। प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही पाप है, किसी भी बेगुनाह को दहेज के झूठे केस में ना फंसाएं। और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब के साथ जो छोटी सी बेल आइकन है ना उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम अपने जो भी नए वीडियो अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।